हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होममेड उबटन। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग, फेयर एंड क्लियर हो जाएगी। चले फटाफट इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए नीम पाउडर, गुलाब की पत्तियों का पाउडर, चंदल पाउडर, मलेठी पाउडर, बेसन, जो का आटा, हल्दी, हुस्ने यूसुफ, दही और अर्के गुलाब। इस उबटन को ऑयली और ड्राई स्किन वाले कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाहिए हमें खाली बाउल, नीम पाउडर, टीस्पून गुलाब की पत्तियों का पाउडर, 1 टीस्पून मलट्ठी पाउडर, 1 टीस्पून संदल पाउडर, 1 टीस्पून हुस्ने यूसुफ, 2 टीस्पून जो का आटा, 2 टीस्पून बेसन, 1/2 स्पून हल्दी। अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस उबटन को हम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है आप इसे अरके गुलाब में मिक्स करें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इस दही में मिक्स करके लगाएं। सर्दियों में मेरी स्किन ड्राई है तो मैं इसे दही में मिक्स करके अपने फेस पे लगाऊंगी। 3 स्पून दही अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे अपने फेस पे 10-20 मिनट लगाकर नीम गर्म पानी से वॉश कर लें। इसे आप हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन बहुत ही ब्राइट, क्लियर और सॉफ्ट हो जाएगी। कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरा उबटन कैसा लगा। आई होप यू लाइक माई ईजी एंड होममेड रेमेडी। अगर आपको मेरी रेमेडीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।